brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. ये जवानी है दीवानी मेरी फेवरेट मूवी है. कबीर था पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. मेरा नाम भी कबीर है पर मैं उस जैसा कूल डूड नहीं हूँ. और ये मेरी कहानी है. तो मेरी कहानी मैं आपको उस वक्त से सुनाऊंगा जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था. कॉलेज का लास्ट ईयर था और प्लेसमेंट होने वाले थे. और हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये थी कि प्लेसमेंट बड़ा अच्छा होता है. कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस ही जाता है. पर मेरी फूटी किस्मत, उस साल सिर्फ दो कंपनियां आई और 180 के बैच में सिर्फ 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और मैं उनमें से एक था. तो बड़ा खुश था. एग्जाम्स के बाद सूट वूट पहनकर सीधा कंपनी पहुंच गया. कंपनी पहुंचकर पता चला कि एक और इंटरव्यू होगा. उस वक्त सिलेक्शन कैसे हुआ ये तो नहीं पता था, पर यहां पर रिजेक्शन होगा ये साफ साफ दिख रहा था. रिजेक्शन ही हुआ. अब सोचता हूं तो लगता है शायद इंटरव्यूअर को मेरा आंसर पसंद नहीं आया था जब उन्होंने मेरे से पूछा था, कबीर आने वाले 5 साल में तुम अपने आप को कहां देखना चाहते हो? सर एक कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं. सच बताऊं तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि सीईओ होता क्या है. बोल दिया, रिजेक्ट भी हो गया. वो अप्रैल के एंड में हुआ था. मई जून जुलाई अगस्त मैंने सब महीने एक एक कंपनी को पकड़ के इंटरव्यू दिया पर कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. तो अगस्त के एंड में मैं अपने कॉलेज गया. वहां पर एक प्रोफेसर मिले और उस प्रोफेसर ने मुझे देखकर कहा, कबीर यार एक काम कर, तू एमबीए कर ले. एमबीए करेगा ना तो बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे और अपने कॉलेज से कर, प्लेसमेंट होगा. सही है. मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया. मेरे पेरेंट्स ने मना किया था पर मैंने फिर भी कर लिया. 2 साल अच्छे से मेहनत करी प्लेसमेंट के लिए. कंपनी आई फिर रिजेक्ट हो गया. अब मुस्कुराहट ना धीरे धीरे कम होती जा रही क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे. वो मुझे ताने मारते थे. और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता था जब मेरे दोस्तों के पेरेंट्स बोलते थे ये नाकारा है इसके साथ मत घूमा करो. इसलिए मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया. मेरे पड़ोसी मेरे सारे रिश्तेदार कुछ सुनते नहीं थे, बस सुनाते थे. पर मेरी बहन थी पूजा, वो मुझे सुनती थी. अच्छा मेरी बहन पूजा ना डॉक्टर है और वो मेरे से बिल्कुल अलग है. वो पढ़ती रहती है और जब भी मेरे पास होती थी ना मैं उसे कहानियां सुनाता था और मेरी कहानियों को सुनकर वो हर बार कहती थी, भाई बहुत अच्छी कहानियां सुनाता है, तुझे कुछ करना चाहिए. वो मैं मुस्कुरा देता था. पर वो वक्त भी ज्यादा देर तक नहीं रुका जब उसे जयपुर जाना पड़ा प्रैक्टिस के लिए. पर मैंने अपने आप को समझाया और मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू दूंगा. और मैंने लगातार 13 कंपनीज में इंटरव्यू दिया और हर बार हर रिजेक्शन के साथ मेरा मोटिवेशनल लेवल 0 से नेगेटिव कब हो गया पता ही नहीं चला. दुनिया अलग सी लगने लगी. मैं कमरे से बाहर निकलता ही था और मुझे बोलते थे, शर्म कर, तेरी बहन डॉक्टर है, तेरा वो दोस्त जिसने एमबीए किया था आज मैनेजर है और तू क्या कर रहा है, क्या क्या रोता रहता है, क्या कमरे में बैठा रहता है तू. और मैं सच में कमरे में बैठा रहता क्योंकि वो शोरगुल से ना नफरत सी हो गई थी. उस शोरगुल से भागने के लिए मैंने एक तरीका निकाला था, सोने का तरीका. तो सो जाया करता था, हालांकि नींद नहीं आती थी पर दवाइयां लेकर सोता था. और आदत इतनी गंदी हो गई कि हर महीने मुझे डोज बढ़ाना पड़ता था. आलम यह हुआ कि मुझे अभी तक कुछ हुआ था वो भी याद नहीं क्योंकि नींद इतनी ज्यादा आती थी. कब उठता था, कब खाना खाता था, कब किससे बात करता था, कब चलता था, कुछ याद नहीं. आखिरी बात मुझे ये याद है कि मैं छत पर था, मैं चल रहा था, रात का वक्त था, चल रहा था और अचानक पैर लगा और मैं गिर गया. मैं चीखना चाहता था पर आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और सारा दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया. मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया और मैं आजाद हो गया. तब से अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी कहानी सुनाता पर न जाने क्यों लोग मेरी तरफ देखते तक नहीं और मेरी कहानी भी नहीं सुनते. मैंने सोचा था यहाँ पर आकर सुनाऊंगा, आप लोगों को दिख रहा हूँ क्या, वरना ताली तो बजाते ही आप.